बरसात के मौसम में हमें तैर के जाना पड़ता है। हमारा जो है गांव लगातार 1993 से बहने का आ रहा है और अभी तक 93 से हमारी विस्थापन की मांग थी मगर अभी तक विस्थापन हो नहीं पाया है। अगस्त का महीना जब लगता है तो सर बहुत कोसी आती है जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पाते, घर में रहते हैं जिससे हमारी पढ़ाई का भी काफ़ी लॉस होता है। लेकिन अब ये पुल बनाई है गांव वालों ने तो ये पुल भी ज़्यादा सुरक्षित है नहीं क्योंकि इससे कई बार लोग गिर जाते हैं, गिर चुके भी हैं तो उससे भी कई प्रॉब्लमें होती हैं तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। बरसात के मौसम में हमें तैर के जाना पड़ता है और बारिश के मौसम में घर पे रहना पड़ता है जिससे हमें हमारे स्कूल को हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये पुल आपको दिख ही रही है कि नाम के हमारे गांव वालों ने बना रखी है सुविधा के लिए। में ये पुल बह भी जाती है, उस बरसात में पुल बह जाती है, फिर हम इस घर में रहते हैं और कोसी इतनी आ जाती है कि हम स्कूल भी नहीं जा पाता, हमें महीनों तक घर ही रहना पड़ता है और स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है, इस वजह से हमारी पढ़ाई में भी बहुत नुकसान होता है हमें। ये देख रहे हैं आप सामने हमारा पुल है और यहाँ से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ऐसे ही जाते हैं और हमारा जो है गांव लगातार 1993 से बहने पे आ रखा है और अभी तक 93 से हमारी विस्थापन की मांग थी मगर अभी तक विस्थापन हो नहीं पाया है। और अभी जो है और पिछले बार 2020 में भी हमारा गांव बह गया था, फिर 2022 में भी लगातार बैक टू बैक कोसी आई और पूरा अभी लगभग थोड़ा सा गाँव बचा हुआ है। अगर वहाँ पर भी अगर अभी ये तो गाँव का विस्थापन करा जाए या फिर वहाँ की जो है तटबंध करा जाए। दो हजार सोलह से जो है हमारी फाइल जो है इसमें पड़ी है सचिव वन एवं पर्यावरण में विस्थापन के लिए। शीघ्र ही इसमें धनावंटन होने की आशा है, हो सकता है कि इसी वित्तीय वर्ष में कुछ हमें धनावंटन हो जाए और उसके तुरंत बाद प्रक्रिया के अनुसार इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। फिलहाल जो चुकम जब तक विस्थापन नहीं होता है तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक 4.25 करोड़ की तटबंध की योजना बनाई है जो लगभग लगभग स्वीकृति के तक पहुंच गई है और उसमें जो हमारे नवार्ड के माध्यम से जो पैसा मिलता है सरकार को उसमें उसकी स्वीकृति मिली है।